दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या होगा अगर कुछ समय के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल से गायब हो जाए। क्या होगा जब पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही नहीं रहेगी? आपको बता दूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस धरती पर नहीं रहा तो पृथ्वी का नाश होना तय है। वह कैसे होगा और क्यों इतना महत्वपूर्ण है पृथ्वी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जिस प्रकार ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में रहना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का भी रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर 78.8% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन और सिर्फ 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद भी इस कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगीन तथा गंधनीय गैस है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। इस गैस की खोज पहली बार सन 1640 में जॉन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट ने की थी। तो चलिए जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर नहीं रहा तो पेड़ और पौधे तुरंत ही मर जाएंगे, क्योंकि जैसे जीवित प्राणी और इंसानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेड़ और पौधों को जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे मरने से पृथ्वी से हरियाली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और तो और ऑक्सीजन की मात्रा भी घटने लगेगी, जिससे जीवित प्राणी और इंसानों के मरने की मात्रा भी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे सभी मनुष्य और प्राणी भी मर जाएंगे। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड का एक महत्वपूर्ण काम है जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी के ज़मीन पर पहुँचने देता है, परंतु पृथ्वी की गर्मी जब वापस अंतरिक्ष में जाना चाहती है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंतरिक्ष में वापस जाने वाली गर्मी को पृथ्वी के वायुमंडल में ही रखता है, जिससे पृथ्वी का वायुमंडलीय तापमान सामान्य रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस पृथ्वी से हट गया तो पृथ्वी पर हमेशा ठंडी रहेगी और वह ठंडी बढ़ते ही जाएगी, जिससे पृथ्वी पूरी तरीके से बर्फ़ से ढक जाएगी और इतनी ठंडी में शायद ही कोई जीव जंतु प्राणी पक्षी या मनुष्य बच पाएगा। जो पृथ्वी अभी इस प्रकार दिख रही है, वह कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद कुछ ही दिन बाद इस प्रकार दिखने लगेगी। आपको बता दूं कि कोयला जो होता है उसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो कोयला भी उत्पाद नहीं होगा, जिससे कोयले पर चलने वाले ट्रेन और जहाज वास्तव में नहीं रहेंगे और तो और कार्बन पे चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी नहीं होते, जैसे कि पानी गर्म करने वाला गीजर, एसी, फ्रिज, पानी को शुद्ध करने वाला वाटर फिल्टर इत्यादि। कई कारखानों में खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएं बनाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही वेल्डिंग करना संभव होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम जो पेय पदार्थ या सोडा पीते हैं उसमें उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस भरी होती है। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जितना सकारात्मक है उतना ही नकारात्मक पक्ष भी रखता है। पृथ्वी पर इसका सीधा साधा उदाहरण है ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानना है तो मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। दोस्तों, सोचने की बात है ना, 0.04% ही कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर भी हमें यह कार्बन डाइऑक्साइड कितना फायदेमंद है और उतना ही हानिकारक भी है। खैर, आई होप दोस्तों मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट में समझाया होगा। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।